मुझे ये चीज़ कब समझ आई, जब मैं 19 साल की तो फिल्म की शूट कर रही थी बोलम में, तो उसमें मुझे मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी, तो मैं छोटी सी थी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी, और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना तुम्हें आदत ना लग जाए। मैं सोचती इस इतनी गंदी चीज़ की कैसे किसी को आदत लग सकती है, मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है, सो हाउ कैन दिस हैपन। पर जैसे 6-7 महीना शूट करते रहे उसके बाद मुझे नहीं लगा मुझे कोई आदत लगी, मगर उसके बाद जैसे दोस्त कोई आ गए, 2-3 सिगरेट पी रहे थे, एक सिगरेट ले लेना, फिर धीरे धीरे अपना पैकेट रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 10-12 सिगरेट्स, और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी, ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने गुलाम बना लिया, और मुझे मुझे एकदम से वो हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसे जब रूल करने लगती है, तो मैं बड़ी विचलित थी उस दिन, तो मैंने अपने दोस्त जो मेरे योगा गुरु हैं सूर्य नारायण, उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी ने गुलाम बना लिया, और जो तलब आती है उसके बाद में जो थकान महसूस होती है, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने मुझे इस तरह से कंट्रोल किया। तो उन्होंने कहा ये तो आपके स्टेट ऑफ माइंड है, सर हाउ इज इट पॉसिबल, आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ी, धीरे धीरे ऐसे दोस्त छोड़े जो कहीं ना कहीं थे तो दोस्त मगर सिर्फ नुकसान ही करते थे, लेकिन छोड़े नहीं जाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा देखा कि कुछ रिलेशनशिप में अगर आप आते हैं तो कुछ लोग आपका अच्छा करने के वजह ज़्यादा बुरा करने लग जाते हैं, तो उनका त्याग किया। धीरे धीरे त्याग करते करते मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मगर मेरी लाइफ पर डेफिनेटली मेरी ही चलती है, मेरे मुझे कोई जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं करता है जिस तरह से एक वक्त पर बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली करती थी। सो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का दुरुपयोग भी किया है और मिसयूज़ भी किया है, जैसे कि चीज़ देखने में आता है कि एक सर्व समृद्ध एक संस्कृति है जिसमें 100 या 1000 इन्वेडर्स आते हैं और पता चलता है कि वही करोड़ों लोगों को रूल कर रहे हैं। तो राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकॉन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ऑफ दिस लैंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एवर वॉक्ड ऑन दिस अर्थ। ऐसा क्यों? वो कृष्ण की तरह प्रोफाउंड नहीं है, वो शिव की तरह आदि और अंत, सर्वोपरि सर्वव्यापी नहीं है, ओमनीप्रेजेंट नहीं है, तो व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन? आपने कभी सोचा है? मैंने सोचा है और इस पर कुछ अध्ययन किया है। मैं ये नहीं होगी कि मुझे सब पता है, मगर आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे समझ आया है। सो दोस्तों, श्री राम ने एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सिस्टम इस्टेब्लिश किया है जो कि ह्यूमंस विद लिमिटेशंस, क्योंकि ह्यूमंस के कई लिमिटेशंस होते हैं, उनके लिए एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया है विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, विच इज़ जीनियस सिस्टम। आपको लगता है कि शायद वो एक सेंटिमेंट है, वो एक इमोशन है, या वो एक फीलिंग है, लेकिन उनके द्वारा इस्टेब्लिश किए हुए सिस्टम प्राइमरीली एक ही चीज़ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, वो है त्याग, सेक्रीफाइस। सो इज अ राइचियस मैन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के थ्रू हमें एक ही चीज़ सिखाई है, और वो है त्याग। तो सुनने में तो हमने बचपन से सुना है, सुनने में तो अभी इतना सुन लिया है कि पूरा डिसेंसिटाइज हो गए हैं उस चीज़ को लेके, मगर मुझे ये चीज़ कब समझ आई, जब मैं 19 साल की तो एक फिल्म की शूट कर रही थी बोलम में, तो उसमें मुझे मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी, तो मैं छोटी सी थी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी, और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना तुम्हें आदत ना लग जाए। मैं सोचती इस इतनी गंदी चीज़ की कैसे किसी को आदत लग सकती है, मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है, सो हाउ कैन दिस हैपन। पर जैसे 6-7 महीना शूट करते रहे उसके बाद मुझे नहीं लगा मुझे कोई आदत लगी, मगर उसके बाद जैसे दोस्त कोई आ गए, 2-3 सिगरेट पी रहे थे, एक सिगरेट ले लेना, फिर धीरे धीरे अपना पैकेट रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 10-12 सिगरेट्स, और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी, ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने गुलाम बना लिया, और मुझे मुझे एकदम से वो हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसे जब रूल करने लगती है, तो मैं बड़ी विचलित थी उस दिन, तो मैंने अपने दोस्त जो मेरे योगा गुरु हैं सूर्य नारायण, उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी ने गुलाम बना लिया, और जो तलब आती है उसके बाद में जो थकान महसूस होती है, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने मुझे इस तरह से कंट्रोल किया। तो उन्होंने कहा ये तो आपके स्टेट ऑफ माइंड है, सर हाउ इज़ इट पॉसिबल, लाइक किसी भी चीज़ से आप जो है ये ताकत छीन सकते हो, आपको इस तरह से कंट्रोल करने की ताकत,
सिर्फ त्याग को अपना, जो श्री रामचंद्र ने कहा है. तो मैंने कहा यार ये त्याग है क्या? इट्स अ वेरी विनेवोलेंट एक्शन. इट इज अ साइंटिफिकली इट इज डिजाइन टू इवॉल्व यू एज अ ह्यूमन बीइंग. अगर आप अपनी विल पावर पे काम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप चाहे उपवास रखिए छोटे छोटे, जैसे मैंने कल दान दिया, तो आप त्याग उसी चीज़ का कर सकते हो जो आपको चाहिए होती है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है. इससे आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं. फिर धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ी, धीरे धीरे ऐसे दोस्त छोड़े जो कहीं ना कहीं थे तो दोस्त मगर सिर्फ नुकसान ही करते थे, लेकिन छोड़े नहीं जाते थे. फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा देखा कि कुछ रिलेशनशिप में अगर आप आते हैं तो कुछ लोग आपका अच्छा करने की वजह ज़्यादा बुरा करने लग जाते हैं, तो उनका त्याग किया. धीरे धीरे त्याग करते करते मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मगर मेरी लाइफ पर डेफिनेटली मेरी ही चलती है. मुझे कोई जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं करता है जिस तरह से एक वक्त पर बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली करती थी. तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस सिस्टम है, जैसे आप ऐसा नहीं है कि हम इस सिस्टम को जानते नहीं हैं, मगर कुछ मॉडर्न आइकन्स हैं, जैसे महात्मा गांधी का पूरा सिस्टम ही रामराज्य पे एस्टेब्लिश्ड था. वो रघुपति राघव उन्होंने ऐसा कभी छुपाया नहीं, मगर जो भी उन्होंने ब्रिटिश के साथ में देखा, अगर आप उसकी एक अध्ययन कीजिए, चाहे वो उनके कपड़े छोड़ना हो, चाहे वो नमक छोड़ना हो, चाहे वो जो भी है इंग्लिश चीज़ें छोड़ना हो, चाहे वो दांडी यात्रा हो, चाहे वो सत्याग्रह, चाहे वो अहिंसा, एवरीथिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम श्री राम्स सिस्टम ऑफ राम राज्य दैट ही एस्टेब्लिश्ड. तो ऐसा कि उनके कितने म्यूजियम्स हैं, कितने सारे उनके कहीं मूर्तियां लगी होती हैं, कितना सारा उनके बारे में लिटरेचर है, और श्री राम के एक मंदिर के लिए हमको कितने 600 साल संघर्ष करना पड़ा. एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे. मगर कमिंग बैक टू वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड टैपिंग इनटू द कॉन्शियस ऑफ रामा. सो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का दुरुपयोग भी किया है और मिसयूज़ भी किया है. जैसे कि चीज़ देखने में आता है कि एक सर्व समृद्ध एक संस्कृति है जिसमें 100 या 1000 इन्वेडर्स आते हैं और पता चलता है कि वही करोड़ों लोगों को रूल कर रहे हैं. तो मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है त्याग को कहीं ना कहीं कायरता से जोड़ा हुआ है. आप उस चीज़ का त्याग नहीं कर सकते जो आपकी है नहीं. आप रामायण में ये चीज़ आप अच्छे से स्टडी करिए और देखिए कि श्री राम से जब भी जो भी चीज़ कही गई, चाहे उनका राज्य हो कुछ भी, उन्होंने बहुत हंसते हंसते त्याग कर दिया. मगर जब सीता को उनसे छीन के ले जाया गया तो उन्होंने जितनी भी वेदनाएं यातनाएं से, लेकिन उनको वापस लाए. और जब उन्होंने इस बात का एहसास किया कि मैं अपनी स्त्री से इतना प्यार करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, तो उनको एक सेफ जगह पे रख के उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम उनका भी त्याग किया. इवेंचुअली वो सरयू नदी में जाके उन्होंने समाधि ले ली थी, अपने प्राणों का भी त्याग किया था. मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के जो आपका है नहीं आप उसका त्याग नहीं कर सकते. पहले आपको यू हैव टू फर्स्ट बी वर्दी ऑफ इट. और जितने भी कुछ लोग हैं जो मतलब Why Ram is still the most important icon, जबकि उनके बहुत सारे छोटे छोटे सस्ते कॉपी हैं, मगर why is he the most important icon is because he is the greatest warrior also. When you are the greatest warrior and when you are preaching, non-violence is greatness. जब आप लड़ ही नहीं सकते, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप non-violence से preach करेंगे ना, और आप करेंगे क्या? So that is why I say that Rama is the biggest legend and the icon that we have here, and unhi ka Ram Rajya jo hai wo chalta rahe, jeeta rahe. Jai Shri Ram.